जो कि चतरा से आरजेडी की तरफ से लोकसभा में प्रत्याशी रह चुके हैं, सुभाष यादव जी हैं, उनके अलावा कई वरीय पदाधिकारी यहां पर हैं। पार्टी के कैटेगरी के हिसाब से, वरीयता के हिसाब से उन्हें जगह दी गई है। सुभाष जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे। सुभाष जी, इस रैली का नाम दिया गया है जन आक्रोश रैली। एक सवाल ये उठता है कि जनता में आखिर किस बात का आक्रोश? अगर आक्रोश है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ये क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने जो काम किया है जनता उसका आशीर्वाद दे रही है, इसलिए वो जन आशीर्वाद यात्रा पर भी। यहाँ जनता जो है लूट बलात्कार और भ्रष्टाचार से त्राही माम है। रघुवर दास जी का जो विकास का काम है, जहाँ तक देखिए हजारों हेक्टेयर भूमि जो है झारखंड में असिंचित पड़ा हुआ है, तो उनके द्वारा डोभा का निर्माण किया गया जिसमें 10 बल्टी के बराबर भी पानी नहीं हटेगा। केवल लूज खचोट हुआ है, जुमलाबाजी हुआ है, चाहे किसान हो, नौजवान हो, नौजवानों के साथ जो नौकरी देने का भारतीय जनता पार्टी जो 2 करोड़ रुपए नौकरी जो प्रतिवर्ष देने का उन्होंने आश्वासन दिया था, खत्म हो गया। सारी जुमलेबाजी है, लोग में जन आक्रोश की भावना हो गया है। चुनाव नहीं, चुनौती के रूप में आने वाले झारखंड विधानसभा में लोग लेगा। हेमंत सोरेन ने जेएमएम के साथ अकेले, मतलब जेएमएम पार्टी ने अकेले बदलाव का बिगुल फूका और कल हुंकार भरा इसी मैदान से। आज आरजेडी आक्रोश व्यक्त करने वाली है, लेकिन इस आक्रोश व्यक्त करने के समारोह में आप लोगों ने हेमंत सोरेन को भी शामिल किया है, जैसी सूचना है कि वो भी इसमें जन आक्रोश रैली में शामिल होंगे। क्या इस मन से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि महागठबंधन का जो स्वरूप या तो तय हो चुका है या फिर जो तय होने वाला है उसमें बाकी समीकरणों पर आरजेडी को ध्यान नहीं है? ध्यान है तो सिर्फ ये कि जेएमएम और आरजेडी एक है, बाकी जिसको आना है वो आए, जिसको नहीं आना है वो नहीं आए। क्या ऐसा संकेत देना चाहते हैं आप लोग? आप जानते हो कि लोकसभा का जो चुनाव होने वाला था उसमें सभी से पहले आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने सभी सेकुलर लोगों को एक पौधान पर लाने का उन्होंने आह्वान किया था, और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा जो है सभी सेकुलर लोगों को एक साथ लाने का काम करती है। जितने लोग हम लोग मिलजुल करके लड़ेंगे, एकता में बल है, इसलिए सब जितने सेकुलर लोग हैं सबों को हम लोगों के पार्टी स्वागत करती है। और सब लोग जब एक साथ मिल करके इस चुनाव के मैदान में नहीं उतरेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी को भगाया नहीं जा सकता। बीजेपी कह रही है अब की बार 65 बार, आप क्या कहेंगे? तो इसमें रोक थोड़े है, 81 भी पार कर सकते हैं वो। तो फिर वैसे हमें आरजेडी की जन आक्रोश रैली का क्या? जन आक्रोश रैली राष्ट्रीय जनता दल यहाँ सरकार में अहम भूमिका निभाएगी और झारखंड में सभी लोगों को जागरूक करने की काम कर रही है, और राष्ट्रीय जनता दल सभी सेकुलर लोगों को मिल करके सरकार बनाने की काम करेगी। तो सुभाष जी ने कहा कि सरकार ने जो काम किया है, कुछ काम तो हुए हैं लेकिन जो नहीं किया है उसको भी गिना रही है। वो काम जो किसानों के लिए होने चाहिए थे, वो काम जो सिंचाई से संबंधित है, वो काम जो युवाओं के लिए होना चाहिए था, निवेश के नाम पर झारखंड में पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को आमंत्रित तो किया गया लेकिन रोजगार के नाम पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा आरजेडी का मानना है। लेकिन सरकार कहती है कि इस मौजूदा सरकार ने जितने रोजगार के द्वार खोले, जितने उद्योग धंधों के द्वार खोले, वो शायद ही किसी सरकार ने खोले होंगे।